हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वरूपा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक हो। अभी से एक न्यू ब्लॉग शुरू किया। अभी शाम का टाइम है, हम लोग ना सुबह 1 बजे तक घर पहुँच गए थे। उसके बाद नहा धो के खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। और अभी मेरा एक बहन की बेटी है, मैं लेके बैठी थी तो आप सबको ना मेरा बहन की बेटी को दिखा दिया। अभी देखो दूसरा दिन सुबह, अभी मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ता में बन रहा था चाउमीन। तो अभी ना चाउमीन को पहले उबाल लिया था, उसके बाद प्याज फ्राई हो रहा था, मूंगफली पहले ही फ्राई करके रख दिया। और ये मेरा मम्मी का किचन है, बहुत बड़ा सा किचन, लेकिन जब खाना बनाने लगते हैं ना तो वो भी छोटा पड़ जाता है। तो 2 खिड़की है किचन में और बहुत अच्छा जगह है। तो अभी ना नाश्ता बनने के बाद अभी बनाएंगे दोपहर का खाना। खाना मम्मी बनाएगी, हमें सुबह का चाउमीन बना दिया था। और हम लोग आने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद शाम को मेरा बहन की बेटी को आप सभी को दिखा दिया था। और उसके बाद मैं फिर दूसरा दिन ब्लॉग किया। फिर रात को ना फिर काम में बिजी हो जाता है, सबसे बात करना उसमें टाइम निकल जाता है। जब गांव आओ ना तो गांव में आने के बाद ना सबसे बात करते करते टाइम निकल जाता है। तो अभी आज ना दोपहर में बहुत कुछ खाना बन रहा था, पनीर का सब्जी बन रहा था, उसके बाद लौकी का सब्जी बन रहा था, मछली बन रहा था, और फिर हिलसा फिश भी बन रहा था, उसके बाद झींगा, फिर करोला फ्राई, बहुत कुछ बना है। तो अभी देखो मेरा बेटी को ना मैं नहा धो के चाउमीन लेके बैठा दिया था। मम्मी ना सुबह का चाउमीन बनने के बाद दोपहर का खाना फिर शुरू कर दिया था। उसमें क्या होता है ना, जल्दी खाना बन जाता है। और अभी देखो मेरा बेटी नहा धो के बैठी थी चाउमीन खाने के लिए। चाउमीन में देखो इतना सारा झींगा फ्राई भी लिया, और परी को ना झींगा बहुत पसंद है, इसलिए ना मेरा भाई बहुत सारा झींगा खरीद के रख दिया था। तो अभी मेरा मम्मी फ्राई कर रही है और परी को दे रही है। तो चावल के साथ भी वो खा रही थी और अभी चाउमीन के साथ भी। देखो हम अभी ना निकल गए थे घर से बाहर और अभी थोड़ा सा जा रहे थे घूमने। और ना आप सभी को ना मैं पंडाल दिखाती हूँ और थोड़ा बहुत ही दिखाएगा, क्योंकि मैं घर से ना ज़्यादा दूर नहीं गई थी, थोड़ा सा ही दूर में। और अभी देखो इतना सारा ना नर्सरी है, जो फूल का पौधा मिलता है ना, इतना मतलब इधर होता है। अभी ना इधर जितना पंडाल है उसके साथ साथ ना रास्ता भी पूरा लाइटिंग होता है। और ज़्यादा दूर मैं नहीं गई थी तो इसलिए इतना अच्छा वाला मैं नहीं देखा पाया। मैं जाऊंगी तो आप सभी को दिखाऊंगी। कल सुबह ना दीदी का घर जाएंगे और दीदी के घर में जो दुर्गा पूजा है ना, बस इसीलिए हम छुट्टी आए थे। तो थोड़ा सा ना बाहर घूमना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दीदी के घर में भी काम बहुत है। तो फिर भी उसका बीच में जाएंगे तो आप सभी को दिखाऊंगी। और अभी देखो मेरा बेटी रेडी हो गई थी, जा रही थी घूमने। आंटी, मेरा मम्मी, आंटी का बेटी, सब एक साथ घूमने जा रही थी। तो अभी मैं आप सबको ना कर देते हैं बाय, फिर मिलेंगे दूसरा ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट करके बताओ मेरा वीडियो आप सभी को कैसे लगता है। तो छोटा छोटा ब्लॉग बना के डालते रहेंगे।
और अभी देखो मेरा बहन की बेटी इतना हंस रही थी।